हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पाली। सुबह के 9 बजे हैं और वक्त है इस वक्त की 9 बड़ी खबरों का। आज हम आपको बताएंगे किसकी लापरवाही से पुणे में जिंदा जल गई 18 जिंदगी, प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन पॉलिसी पर क्यों शुरू हो गई है सियासत, और सरकार की चेतावनी के बाद कैसे बैकफुट पर आया है ट्विटर। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो सियासी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अब से 2 घंटे बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि आज की बातचीत उसी सिलसिले में है। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान मराठा आरक्षण पर गठित सब कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ रहेंगे। इस मुलाकात से पहले कल उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मीटिंग भी की थी। आज की मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे का मुख्य फोकस मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करना होगा। महाराष्ट्र की सरकार केंद्र सरकार से ओबीसी की सूची में संशोधन करने की मांग कर सकती है ताकि मराठा आरक्षण को लागू किया जा सके। आरक्षण के अलावा दूसरा मुद्दा टाउटे तूफान होगा। तूफान से हुए नुकसान पर भी चर्चा हो सकती है। उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र में कोरोना के हालात पर भी अपडेट करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डेलीगेशन जा रहा है जिसका नेतृत्व करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे। तो इस डेलीगेशन में उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार, समिति के अध्यक्ष अशोकराज चव्हाण, राज्य के चीफ सेक्रेटरी कुंटे जी, इतने लोग जाने वाले हैं। बाकी लोगों के बारे में और चर्चा शुरू। क्या विषय आप लोगों के सामने रहेंगे? इनके सामने यही विषय रहेंगे। आज जो विषय हमारे सामने आए हैं, एक तो मराठा रिजर्वेशन के बारे में है, ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में है, और जो बीच में जो बड़ा तूफान आया था उससे काफ़ी नुकसान हुई है, वो नुकसान के लिए केंद्र सरकार ने और राज्यों को मदद दी है लेकिन महाराष्ट्र को नहीं दी, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे। आनंद, आखिरकार केंद्र सरकार महाराष्ट्र को कैसे मदद कर सकती है, चाहे वो मराठा आरक्षण हो या फिर ओबीसी आरक्षण? देखिए, उद्धव ठाकरे अब जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है उसे केंद्र सरकार के पाले में डालते हैं। पहले भी जब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि 50% की जो सीमा रिजर्वेशन देने की उससे अधिक है, तब भी उद्धव ठाकरे ने एक खत लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनसे ये कहा था कि मराठाओं को शैक्षणिक और सामाजिक तौर पे पिछड़ा साबित करने के लिए जो सूची होती है ओबीसी की उसमें उसको डाला जाए ताकि उनको आरक्षण मिल सके। आज की मुलाकात में उद्धव ठाकरे इस मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री से कहेंगे कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इस मामले में कदम उठाए। बार बार शिवसेना की तरफ से कहा जाता रहा है कि किसी को अगर आरक्षण देना है और वो वैलिड भी तौर पे हो तो इससे केंद्र सरकार ही मदद कर सकती है। तो आज पूरी तरह से जो गेंद है मराठा आरक्षण का वो केंद्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश करेंगे। और रही बात दूसरी टाउटे तूफान की, तो बार बार महाराष्ट्र सरकार ये कहती रही है कि बाकी राज्यों को, मतलब गुजरात हो या दूसरे राज्य हो, उनको 1000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक तौर पर मदद दी गई है और लिहाजा महाराष्ट्र को भी उसी की मत में उससे निपटने के लिए और जो उसके बाद जो राहत कार्य चल रहे हैं उसको लेकर 1000 करोड़ की मदद दी जाए। तो जाहिर तौर पर आज उद्धव ठाकरे की जो मुलाकात है सियासी इसके मायने और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ शिवसेना के नेता वो इस बैठक में रहेंगे। कांग्रेस के अशोक चव्हाण जो कि मंत्री भी है और कांग्रेस के नेता वो भी रहेंगे। उसके अलावा अजीत पवार जो कि शिवसेना के जो कि महासचिव जो एनसीपी के नेता उप मुख्यमंत्री है, ये तीनों नेता इस बैठक में रहेंगे और दबाव डालने की कोशिश की जाएगी जेल को, तो केंद्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश की जाएगी। जब से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इसको खारिज कर दिया था तब से उद्धव ठाकरे सरकार की मंशा पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब इंतजार करना होगा कि आखिरकार इस मीटिंग के बाद मराठा आरक्षण को लेकर क्या बातें सामने आती है। महाराष्ट्र के डेलीगेशन के साथ बैठक के अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी की एक और अहम मीटिंग है और प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। कोरोना की वजह से लंबे वक्त से फुल कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाई है। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट के सदस्यों से छोटे छोटे ग्रुप में मुलाकात करेंगे और यह मुलाकात शाम 5 बजे होगी। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी के महासचिवों के साथ 4 घंटे तक चर्चा की थी और अब आज वो अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ चर्चा करेंगे।
महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर है और दर्दनाक भी है। पुणे की केमिकल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों में 15 महिलाएं शामिल हैं। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें सैनिटाइजर बनाने का काम होता था। इस कारखाने में ज्यादातर महिलाएं काम करती थी। अग्निकांड में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और राज्य सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त सैनिटाइजर की पैकिंग हो रही थी और अचानक आग लग गई और थोड़ी ही देर में धुआं इतनी तेजी से फैला कि किसी को भागने का मौका नहीं मिला। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची लेकिन तब तक दम घुटने के वजह से और लपटों में घिरकर मौतें हो चुकी थी। हादसे के वक्त कंपनी में 37 कर्मचारी काम कर रहे थे। 19 लोगों को बाहर निकाला गया लेकिन 18 लोगों के शव बरामद हुए हैं। आग कैसे लगी, क्यों लगी, इस घटना का जिम्मेदार कौन है, फैक्ट्री में सुरक्षा के मानकों का इंतजाम था या नहीं, आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण थे या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब के लिए अब जांच की जा रही है। पैकिंग चल रहा था तो प्लास्टिक पैकिंग्स में ये करते हैं। जो पैकिंग का जो काम चल रहा था तो कहीं वो जो हीटअप जो होता है उसमें कहीं स्पार्क हुआ है और स्पार्क होने के बाद वो इमीडिएट फायर पकड़ा है। पैकिंग के लिए जो लेडीज़ थी वो नॉर्मली ग्राउंड पर बैठ के पैकिंग कर रही थी तो उन्हें पता नहीं चला कि वो फायर हुआ है। और जो केमिकल्स जो है क्लोरीन केमिकल्स जो है उसका जो धुआँ है वो धुआँ और उसका जो इस तरह से जो स्मोक है वो इतना ज़्यादा था कि वो लेडीज़ को ये आइडेंटिफाई करने के लिए मुश्किल हुई कि कहाँ भागना है। पुणे हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि पीड़ितों के परिवार के तरफ उनकी संवेदना है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि महाराष्ट्र के पुणे के फैक्ट्री में लगी आग के चलते मारे गए लोगों की खबर से आहत हूं, पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। बात करेंगे संवाददाता अतुल सिंह से। अतुल, अभी तक कोई जानकारी निकल पाई है कि आखिरकार कैसे फैक्ट्री में इतनी बड़ी घटना हो गई और मौतें हो गई? जी देखिए, ये काफ़ी दुखद और बड़ी घटना थी। इसमें 18 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और जो खबर अभी आ रही है प्राथमिक जांच में कि जो फैक्ट्री का बॉयलर था उसमें ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी है, क्योंकि यहाँ पर सैनिटाइज़र और जो वाटर प्यूरीफायर का काम चल रहा था, जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसकी काम चल रहे थे। इस वजह से आग बहुत तेज़ी से फैली अमित, जिसकी वजह से जो वहाँ पर कर्मचारी थे अंदर जो काम कर रहे थे उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और आग बड़ी तेज़ी से फैलने के साथ साथ प्लास्टिक का जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज करके रखा हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआँ हुआ और चारों तरफ से दरवाज़ा बंद होने और आग ज़्यादा तेज़ी से फैलने की वजह से लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हालांकि जो दमकल कर्मी थे वो वहाँ से करीबन 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिए, लेकिन कई सारी ऐसी महिलाएं थी, बताया जा रहा है कि करीबन 15 ऐसी महिलाएं थी जिन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और कुल 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख रुपये का मुआवजे का ऐलान कर दिया। साथ में जो तहसीलदार और जिला अधिकारी हैं उन्हें भी एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच करने का आदेश दे दिया है ताकि सही मायने में इसका पता चल सके कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई, क्यों हुई और इसके पीछे क्या बॉयलर के फटने की ही मेन वजह थी कि कुछ और भी इसके पीछे का कारण था। जी अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश में फ्री वैक्सीन का ऐलान करने के बाद अब सरकार वैक्सीन की गाइडलाइन में एक नई पॉलिसी जोड़ने पर विचार कर रही है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के जरिए कोरोना का टीका लगाने की एक बड़ी पहल शुरू की जानी है और इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी जरूरतमंद इंसान के लिए टीका स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम अपने संदेश में सरकारी हेल्थ सेंटर पर सबको मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान किया था और इस ऐलान के साथ ही सरकार वैक्सीन की गाइडलाइन में एक नया स्कीम जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस स्कीम का नाम है ईच वन पे वन। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक वाउचर खरीद सकेगा जो गरीब या फिर वैक्सीन की कीमत नहीं दे सकने वाले व्यक्ति को मदद कर सकेंगे। उसके लिए आप उपहार के तौर पर या फिर वाउचर खरीद सकते हैं। ये वाउचर किसी परिचित, सहयोगी या फिर स्टाफ के नाम पर खरीदा जा सकेगा। आप केवल एक ही नहीं बल्कि एक से ज्यादा वाउचर खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो नाम दिए जाएंगे उसी नाम के व्यक्ति को ही इसको इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकता है, यानी वैक्सीन लगवा सकता है। इस स्कीम से सरकारी सिस्टम और सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम होगा और इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई भी इस ई वाउचर को मान्यता देगी। बात करेंगे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे से। आनंद, ये जो स्कीम है ये कब से शुरू हो सकता है और दूसरी बात है कि इसमें और कौन सी बातें हैं जिसका फायदा मिलेगा?
देखिए अगले एक से दो दिन में ये जो नई ई वाउचर स्कीम है इसको जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसमें शामिल किया जा सकता है, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसका मकसद यही है कि ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी कि अगर कोई गरीब है या दूर दराज के इलाकों में रहता है वो अगर उसको पोर्टल पे कोविन पोर्टल पे आरोग्य सेतु पे वो अपना जो स्लॉट है बुक नहीं करा सकता है तो मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के या कोई भी जो उसका परिचित है जो उसका जानने वाला है उसको एक वाउचर खरीद के उसको भेज सकता है। और जैसे ही वो शख्स वो ई वाउचर लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको वहाँ स्कैन किया जाएगा, स्कैन करते ही वो जो पैसा है वो उस प्राइवेट हॉस्पिटल के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा और तुरंत उसको जो वैक्सीनेशन जो है उसको मुहैया कराया जा सकेगा। इसकी कोशिश यही है कि जो लोग गरीब है, जरूरतमंद है या फिर जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनको वैक्सीन लगाया जा सके, उनको कोई गिफ्ट कर सके, इसको टीका गिफ्ट भी कर सकते हैं कि हम उसको टीका गिफ्ट कर सकते हैं ताकि जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी अस्पताल है उनसे कोई दबाव ना पड़े ज्यादा, वो पहले ही ओवरलोडेड है सरकारी अस्पताल, उनसे दबाव ना पड़े, साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का जो टारगेट है और जो वैक्सीनेशन कवरेज है उसको भी बढ़ाया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। 21 जून यानी कि सोमवार से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। अब तक 45 साल प्लस और फ्रंट लाइन के साथ ही जो हेल्थ वर्कर्स थे उनका टीकाकरण केंद्र सरकार करवा रही थी, जबकि 18 से 44 साल के बीच वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। वैक्सीन की खरीद को लेकर यह बदलाव अगले दो हफ्ते में लागू हो जाएगा। 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक बार फिर से वैक्सीन खरीदने का काम केंद्र सरकार करेगी। यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। यह व्यवस्था आने वाले दो सप्ताह में लागू की जाएगी। सरकारी हेल्थ सेंटर पर वैक्सीन तो फ्री मिलेगी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के हिस्से में कोई कटौती नहीं की गई है। पहले की तरह 25% हिस्सा प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलता रहेगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल एक डोज की निर्धारित कीमत यानी 150 रुपए ही उससे एक्स्ट्रा ले सकेंगे। वैक्सीन कंपनियों से केंद्र को कोविशील्ड की एक डोज 150 रुपए में मिल रही है, जबकि राज्य को 300 रुपए और प्राइवेट हॉस्पिटल को 600 रुपए चुकाने होते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में एक टीके की अधिकतम कीमत तय नहीं है, कहीं कोविशील्ड 800 रुपए में लगती है तो कहीं एक टीका 1800 रुपए का लगता है। इसी तरह कोवैक्सीन की एक डोज केंद्र को 150 रुपए में मिलती है, जबकि राज्य को 400 रुपए में और प्राइवेट हॉस्पिटल को 1200 रुपए में यह मिलती है। लेकिन अब कीमतों में इतना बड़ा अंतर नहीं रहने वाला है। आज की एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार के आखिरी नोटिस के बाद ट्विटर ने जवाब दिया है। ट्विटर ने कहा है कि वो भारत और भारत के नियमों के लिए प्रतिबद्ध है। ट्विटर ने भारत सरकार को नए नियमों के पालन का आश्वासन दिया है। ट्विटर ने यह भी कहा है कि भारत सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत चलती रहेगी। नए आईटी नियमों के अनुपालन को लेकर पिछले शनिवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को केंद्र सरकार की ओर से आखिरी नोटिस भेजा गया था। ट्विटर ने इसी नोटिस का जवाब दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि ट्विटर ने अपने जवाब में क्या कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इस बारे में प्रोसेस रिपोर्ट शेयर किया गया है। हम भारत सरकार के साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूजर्स के लिए सुरक्षित और से भरोसेमंद बनाने की दिशा में सरकार ने नए गाइडलाइंस जारी किए थे और तय नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच कई बार बातचीत हुई है। बीते शनिवार को केंद्र सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस जारी किया था और नोटिस में कहा गया था कि यह आखिरी चेतावनी है, अब भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो आईटी कानून और दूसरे जो कानून है उसके तहत ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष, अब मान लिया जाए कि जो ट्विटर है वो अपने नोडल ऑफिसर और जो तमाम गाइडलाइंस में बातें कही गई तो उसको मान लेगा? अमित, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जैसे सरकार और ट्विटर आमने सामने थी और फिर उसके बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए ट्विटर ने जितने भी वीवीआईपी थे उनके ब्लू टिक हटाए, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और भारत सरकार के द्वारा तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स और साथ में जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए आईडी रूल और उसके नियम के तहत जो आगे का जो इनिशियल जानकारी कलेक्ट करने का और इंफॉर्मेशन कलेक्शन का पूरा एक क्राइटेरिया बिल्डअप किया गया था उसको ट्विटर मानने को तैयार नहीं था। ट्विटर इनिशियल जानकारी के मुताबिक इनिशियली वो बिल्कुल भी आमने सामने की स्थिति में था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और जो
जो पूरा एक जो भारत सरकार के द्वारा ट्विटर को कहा गया था उसके बाद ट्विटर ने तय किया है कि अब जो भारत सरकार के द्वारा जो नियम रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका पालन करते हुए जो इनिशियल जो ट्वीट का जो मेन जो ओरिजिनेटर है जिसने वो ट्वीट ओरिजिन किया है अगर सरकार चाहती है उसके बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी लेना तो वो ले सकती है। ऐसे तमाम और नियम है जिसके बारे में अब ट्विटर पूरी सहमति के साथ आगे बढ़ा है। हमें जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर एक राहत देने वाली खबर आई है। नए कोरोना केस मिलने का सिलसिला कम होता जा रहा है। करीब दो महीने में पहली बार देश में 1,00,000 से कम केसेस दर्ज किए गए हैं और पिछले 24 घंटे में 87,295 पॉजिटिव केसेस मिले हैं जो 66 दिन बाद सबसे कोरोना के कम केसेस हैं। इससे पहले 2 अप्रैल को 89,000 लोग कोरोना की चपेट में आए थे। कोरोना केस कम हुए हैं और साथ ही साथ मरने वालों के आंकड़े में भी कमी आई है। 24 घंटे में 2,115 लोगों की जान गई है। हालांकि इन्फेक्शन रेट की तुलना में डेथ रेट अभी भी हाई है लेकिन मौत के आंकड़ों में 48 दिन बाद कमी दर्ज की गई है और 21 अप्रैल को 2,101 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या अब 12,97,000 के करीब है। कोरोना केस कम हो रहे हैं और इसी के साथ लॉकडाउन खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई के बाद आज से राजस्थान में अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। राजस्थान में आज बाजार सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक खुलेंगी। अब सप्ताह में 4 दिन की जगह 5 दिन बाजार खुलेंगे। सभी सरकारी और निजी दफ्तर में 50% कर्मचारियों के साथ काम कर पाएंगे लोग। डेली कर्फ्यू में अब शाम 5 बजे से लगेगा। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। प्राइवेट गाड़ियों से सुबह 5 से लेकर शाम 5 बजे तक राज्य के अंदर कहीं भी जाने की छूट होगी और 10 जून से निजी और रोडवेज की बसें शुरू हो जाएंगी। काशी विश्वनाथ के कपाट अनलॉक कैसे हो रहे हैं दर्शन आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। सुरभि शर्मा खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।